रोज कपड़े धोना, सुखाना, समेटना, आयरन करना बड़ा ही इरिटेटिंग प्रोसेस है और हम हाउसवाइफ के कामों की लिस्ट और बड़ी हो जाती है जब घर में छोटे बच्चे हों। और अब तो बरसात का मौसम भी शुरू हो गया है, तो ये वीडियो तो बनता है आपके काम को थोड़ा सा आसान करने के लिए। तो आइए देखते हैं आज का सुपर डुपर हिट वीडियो। छोटे छोटे कपड़े जो अक्सर गुम हो जाते हैं, कभी एक सॉक्स नहीं मिल रहा तो कभी रुमाल। रोज की इस प्रॉब्लम को आज मैं हमेशा के लिए खत्म करने वाली हूँ और मेरे साथ साथ आप भी एक सिंपल ऑर्गेनाइजर बना के। इसके लिए मैंने एक बॉक्स ले लिया है और इसके अंदर मैं डिस्पोजल ग्लासेस को चिपका दूंगी। अब जगह की ही तो प्रॉब्लम है छोटी वार्डरोब, तो चलिए इसलिए मैं इसमें दो होल बनाकर इसमें जिप टाई की मदद से एक लूप बना दूंगी जिससे आप इसे टांग भी सकती हैं। अब आप इसमें सॉक्स, अंडरगारमेंट्स, हैंकी वगैरह जो भी आप रखना चाहती हैं रख दीजिए और हैंग कर दीजिए। इसमें सभी चीज़ें प्रॉपरली विजिबल भी रहती है, रखना और निकालना तो और भी आसान। स्मार्ट वाइफ तो इजी लाइफ, मस्ट ट्राई। चलिए अब आ जाते हैं हमारे डेली प्रोसेस पर। सबसे पहले मशीन लगा लेते हैं। आज मैं कुशन्स कवर को भी वॉश करने वाली हूँ। मैं हमेशा कुशन कवर को उल्टा करके चैन लगाने के बाद ही मशीन में डालती हूँ। इससे कुशन्स में जो बारीक बारीक जो फोम होता है वो टूटता नहीं है और दूसरी खास बात, इसकी चमक भी बरकरार रहती है। चैन लगाने के कारण सीधा वाला पार्ट डायरेक्ट केमिकल के कॉन्टेक्ट में नहीं आता है। इसी तरह उल्टा सुखाने से भी ये धूप के कारण भी डैमेज नहीं होता है। इसलिए हमेशा कुशन को आप भी उल्टा करके चैन लगाने के बाद ही मशीन में डालिए और उसके बाद धूप में फैलाइए। इससे आपके कुशन चलेंगे सालों साल और दिखेंगे बेमिसाल। इसी तरह टी शर्ट की प्रिंट भी धुलते धुलते डैमेज होने लगती है और एक अजीब सा चूरा होने लगता है, तो इन्हें भी मैं उल्टा करने के बाद ही मशीन में डालती हूँ। हाँ, और ध्यान रखिएगा, इन्हें भी सुखाना हमें उल्टा ही है। कपड़े एकदम साफ धुले इसके लिए हमेशा लिक्विड डिटर्जेंट का ही यूज कीजिए। अगर ये नहीं है तो सर्फ को हमेशा गर्म पानी में प्रॉपरली डिजॉल्व करने के बाद ही मशीन में डालिए। ऐसा करना मशीन और कपड़े दोनों के लिए फायदेमंद है। इससे पैसों की तो बचत होती ही है, साथ ही मैं ये बता दूं कि मैं ये आइडिया जब से यूज ले रही हूँ जब लिक्विड डिटर्जेंट मार्केट में आया भी नहीं था, पर मेरी मशीन और कपड़े दोनों आज भी चकाचक है। मम्मा शाम को मुझे ये वाली टी शर्ट पहननी है, तो टी शर्ट गीली है और आप अगर आपको जल्दी सुखानी है तो जल्दी से सुखाने के लिए आप टी शर्ट के अंदर दो हैंगर डालकर सुखाइए। इससे प्रॉपर हवा का वेंटिलेशन होता है और टी शर्ट जल्दी सूख जाती है। छोटा स्पेस होने के कारण अक्सर ऐसा होता है कि शर्ट की स्लीव्स हवा के कारण इधर उधर ग्रिल से टकराती है तो वो गंदी हो जाती है। इसलिए मैं इसे शर्ट के बटन में ही फिक्स कर देती हूँ जिससे ना ये गंदी होगी और प्रॉपरली सूख भी पाती है। बरसात का मौसम आ गया है, कपड़े वैसे ही नहीं सूख रहे हैं, तो ये छोटे छोटे ट्रिक आप भी ट्राई कीजिए। पैंट, पजामा, निकर आदि को भी उल्टा करके सुखाने पर इसके पॉकेट वाला पार्ट प्रॉपरली सूख पाता है।
साड़ी, बेडशीट आदि सुखाने के लिए मैं टिक टैक पिन या सेफ्टी पिन का यूज करती हूँ, जिससे ये जगह पर बनी रहती है, स्लिप नहीं होती है। तो आप भी ये यूज करिए। छत या बालकनी की रोड भले ही कितनी मोटी हो, ये ट्रिक सभी जगह काम करती है। बस अब आप अपनी बेडशीट फैलाइए और निश्फिक्र हो जाइए। और अब एक कॉमन प्रॉब्लम जो हम सभी के साथ अक्सर होती रहती है, सलवार का या पेटीकोट का या पजामे का नाड़ा अंदर चला जाता है। तो सिंपल टेक्निक, एक छोटी कैंची लीजिए और वीडियो में दिखाए अनुसार कैंची की सहायता से नाड़े को पकड़कर बाहर निकाल लीजिए। ये ट्रिक मैं तो अक्सर यूज़ करती रहती हूँ। अगर विश्वास ना हो तो अभी ट्राई करके देखिए। और अब बारी है अपनी प्रिंसेस की फ्रॉक को समेटने की। हैवी से हैवी घेर वाली फ्रॉक को आप इस तरीके से समेटिए जैसा वीडियो में मैं समेट रही हूँ। इससे ये जगह पर बनी रहती है, जगह भी कम लेती है और बार बार खुलती भी नहीं है। कपड़े फोल्ड करने के कितने ही वीडियो हम आए दिन देखते रहते हैं। मैंने भी रिसेंटली ब्लाउज फोल्ड करना सीखा। इस तरीके से ब्लाउज फोल्ड करके रखने पर ब्लाउज प्रॉपरली अरेंज और रिंकल फ्री रहता है। तो आज से आप भी इसी तरीके से ब्लाउज समेटिए। टी शर्ट, टॉप आदि में इस तरीके के टैग लगे होते हैं, तो बस हमें इन्हीं का यूज़ करना है। आपको महंगे महंगे हैंगर लाने की अब कोई ज़रूरत नहीं। आप किसी भी ऑर्डिनरी हैंगर में सिल्की से सिल्की टॉप हैंग कर सकती हैं, वो अब गिरेगा भी नहीं और करना कुछ नहीं है। इस लूप में से हैंगर को आपको निकालना है और टांग देना है। अब जब तक आप नहीं चाहेंगी, ये टॉप निकल कर या स्लिप होकर नहीं गिरेगा। आइडिया बहुत अच्छा है, इस पर एक लाइक तो बनता है। मेरा बहुत दिन से वो वाला शर्ट नहीं मिल रहा या ब्लैक पेंट कहाँ गुम हो गई, ऐसा अक्सर आपके घर में भी होता होगा पर अब नहीं होगा। धोना, सुखाना, समेटना सारे प्रोसेस तो हमारे बराबर हो गए और अब बारी है कपड़े को प्रेस वाले को देने की। अक्सर हम किसी दुपट्टे में या बेडशीट में कपड़े बांधकर दे देते हैं। प्रेस वाला इतने सारे घरों से कपड़े ले जाता है कि कभी कभी गलती से पोटली में से कपड़ा बाहर गिर जाता है और यही हो जाता है हमारा कपड़ा गुम और हम फिर ढूंढते रह जाते हैं। इसलिए कपड़ों को हमेशा ऐसे बैग में दीजिए जो प्रॉपरली बंद हो जाता है। जैसे मेरा ये बैग, इसमें तीन तरफ चैन है, कपड़े भी खूब सारे आसानी से आ जाते हैं और सेफ भी रहते हैं। बात पते की है, नोट कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, अब बारी है आपकी। अगर आपको मेरे आइडियाज़ अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले मंगलवार कुछ नए और इंटरेस्टिंग आइडियाज़ के साथ। Thank you.